Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome to today's video. So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। ये स्टॉक ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस शो किया रिसेंटली, सो मुझे लगा इस स्टॉक पे मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, कवर करना चाहिए मेरे को अच्छे से डिटेल में कि इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए। सो आइए देखते हैं इस स्टॉक को जरा, इसकी स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल्स की भी, बिजनेस की भी एंड देन टेक्निकल्स की भी। तो अगर मैं बिजनेस की स्टडी करना चाहूँ तो बिजनेस को हम यहीं पे अबाउट में देख सकते हैं दैट महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल कंपनी इन इंडिया। इसकी जो प्रेजेंस है वो टू व्हीलर्स में भी है, थ्री व्हीलर्स में भी है, ट्रैक्टर्स में भी है, अर्थमूवर्स में भी है, काफी सारे बिजनेस में, काफी सारे ऑटोमोबाइल्स को मैन्युफैक्चर करने में इस कंपनी की प्रेजेंस है। इट ऑल्सो हैज प्रेजेंस अक्रॉस फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो कंपोनेंट्स, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, स्टील ट्रेडिंग एंड प्रोसेसेस, आईटी बिजनेसेस, एग्रीकल्चरल, एग्री, एरोस्पेस, कंसल्टिंग सर्विसेज, डिफेंस, एनर्जी। मतलब कंपनी का बहुत ही अच्छा बिजनेस है और जितनी अच्छी परफॉर्मेंस शो कर रहा है, मैं परफॉर्मेंस एक बार दिखा देता हूँ, इतनी तेजी से ये ऊपर गया है। तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्रोथ भी अच्छी परफॉर्म कर रही है, बिजनेस अच्छा खासा वेल डाइवर्सिफाइड स्टेबल भी है। जो मैं देखना चाहता हूँ वो है इसके, एक बार प्रॉफिट में हम देखेंगे, एक बार इसके की पॉइंट देख लेते हैं, कुछ भी एनोमली तो नहीं है। ऑटोमेटिव डिवीजन का इसका 55% रेवेन्यू आता है, फार्म इक्विपमेंट डिवीजन है इंडिया, इट हैज मार्केट शेयर ऑफ 40% इन डोमेस्टिक ट्रैक्टर्स इन इंडिया। मतलब कंपनी का बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आप यहाँ पे जाके सारी चीजें देख सकते हो, सेल्स भी अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी अच्छी है। कंपनी के पास प्रेजेंटली 68 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटिव। सो कंपनी बिजनेस वाइज एकदम चकाचौंध कर रही है, सब बढ़िया चल रहा है। 1,46,000 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस इज 1177 एंड बुक वैल्यू इज, बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रही है, हमें बिजनेस से फर्क पड़ता है। अगर कंपनी थोड़े से लैंड पे भी बहुत ज्यादा ट्रैक्टर्स एंड बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल्स के कंपोनेंट बना के बेच पा रही है और बिजनेस कर पा रही है तो बुक वैल्यू की कुछ बहुत ज्यादा वैल्यू या अहमियत यहाँ पे नहीं रह जाती। और पी रेशो देखा जाए तो पी रेशो इसका स्टेबल इनफ है, 23 इज अ गुड पी रेशो, आरओसी 11.3 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.2 है, मतलब सारी चीजें सही है। डेट भी, डेट कंपनी पे थोड़ा ज्यादा है, डेट 1.65 का थोड़ा सा ज्यादा हायर साइड पे होता है कि इनकेस कुछ भी बिजनेस साइड से लेके दिक्कत हुई तो ये डेट थोड़ी सी ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल भी कुछ बहुत खास नहीं है, 15% से हाई होना चाहिए। प्रॉफिट की अगर मैं ग्रोथ देखना चाहूँ तो प्रॉफिट ग्रोथ इज स्प्लेंडेड, लाइक कमेंडेबल, 80 करोड़, 400 करोड़, ऑलमोस्ट 2000 करोड़, 2000 करोड़ एंड 2200 करोड़। तो प्रॉफिट की ग्रोथ काफी अच्छी है, ईयरली बेसिस पे भी कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बस मार्च में कंपनी ने स्ट्रगल किया था। एक चीज देखने वाली है कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो तो इंक्रीज कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन कोविड में काफी हैवी इंपैक्ट आया था उनपे, लेकिन कंपनी का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो बढ़ता ही जा रहा है और वो काफी है, और वो बस अभी रिसेंटली ही 1,000 करोड़ से कम हुए, तो कंपनी ने थोड़ा सा लोन चुकाया होगा। तो फंडामेंटली लोन मेरे लिए थोड़ा सा इशू है, लेकिन क्योंकि कंपनी इतने अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है तो दिस मच लोन इज नॉट दैट मच ऑफ एन इशू, उतना कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल्दो मैं 1 से ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ऊपर की कंपनीज में काम नहीं करता हूँ, इसको मैंने बहुत पहले कभी बाय किया था थोड़ी सी क्वांटिटीज में ही। और पब्लिक की होल्डिंग भी 10.4% है, मतलब होल्डिंग भी स्टेबल इनफ है, बिग प्लेयर्स के हाथ में अच्छा खासा स्टेक है। तो कंपनी इज गुड, बिजनेस इज गुड, सब कुछ ठीक है। जो प्रॉब्लम मेरे को दिखाई दे रही है ना, वो प्रॉब्लम है इसके टेक्निकल्स में। टेक्निकल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये जो डेविएशन आया है ना 200 डे मूविंग एवरेज से, कंपनी इज ट्रेडिंग एट 30% प्रीमियम। पास में जब जब कंपनी इतनी ऊपर गई है ना, उसके बाद सीधा सीधा नीचे आई है वापस 2000 डे मूविंग एवरेज के पास, 200 डे मूविंग एवरेज के पास। फॉर एग्जांपल एक बार इसको मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ, यहाँ पे लगभग कितना डेविएशन था, ये 42% का डेविएशन था, 45% का ऊपर गई, सीधा 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आई, काफी अच्छी हेल्थी करेक्शन शो की थी कंपनी ने यहाँ से, दिस करेक्शन इज ऑफ ऑलमोस्ट 20%। उसके बाद एक बार फिर से पीछे जाता हूँ, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी एक बार काफी बड़ा ये डाइवर्जेंस आया था, कंपनी 200 दिन के मूविंग एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर गई थी, अराउंड 20% ऊपर गई थी, उसके बाद फिर से नीचे आई। और पास में भी जितनी बार भी देखा गया है, मैं आपके लिए एक बार चार्ट को सेट कर देता हूँ सही से, ऑटो पे सेट कर दिया मैंने, पीछे गया या तो यहाँ पे भी देखना चाहूं अगर मैं, तो यहाँ पे कंपनी 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऑलमोस्ट 24-25% अप ऊपर ट्रेड कर रही थी, फिर सीधा 20-30% की करेक्शन आई, अगेन ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये किसी भी स्टॉक का ना एक इनहेरेंट बिहेवियर है, किसी भी स्टॉक का एक बिहेवियर है कि वो ऐसे परफॉर्म करता है, यूं ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कुछ देर रेंज में रहेगा, ब्रेक डाउन देगा, ब्रेकअप, ऐसे करके परफॉर्म करता रहेगा। अब इसमें हमें क्या करना होता है, जो कि मेरी स्ट्रेटेजी है, जो कि बहुत अच्छे से काम कर रही है, अच्छा खासा पैसा कमा के देती है, दैट स्ट्रेटेजी इज हमें बाय करना है लगभग यहाँ कहीं, हमारे हाथ में नहीं है प्रिडिक्ट करना,
कि एग्जैक्ट बॉटम तो हम नहीं कर सकते प्रेडिक्ट, तो लगा लो कि 200 दिन के मूविंग एवरेज से जब भी नीचे आए हमें ऐसे अच्छे स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, इट्स अ ग्रेट कंपनी। लेकिन जब 200 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर चले जाए देन दैट माइट बी अ राइट अपॉर्चुनिटी टू सेल। तो इस पॉइंट पे मेरी क्या सजेशन रहेगी, मतलब दिस इज नॉट अ सजेशन, दिस इज जस्ट अ एजुकेशनल वीडियो, कि इस पॉइंट पे हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से चीजों को एनालाइज करना चाहिए। यार हर चीज का ना एक प्राइस होता है, तुम ऐसे ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करके या हमेशा स्टॉक्स को ऑल टाइम हाई पे बाय करके 10-12% से ज्यादा के रिटर्न सक्सेसफुली नहीं कमा सकते। इफ यू वॉन्ट टू जनरेट 20-30-40% का CAGR या उतनी अच्छी रिटर्न अगर जनरेट करनी है तो आपको स्टॉक्स को सस्ते प्राइस पे एक्यूमुलेट करना पड़ेगा और फिर महंगे में बेचना पड़ेगा। तो जिसने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे एक्यूमुलेट किया होता यहाँ पे और फिर वो यहाँ कहीं 20-30% के भी प्रॉफिट पे बेच देता, दैट पर्सन इज गुड। अब फ्यूचर मेरे को ये स्टॉक का कैसा दिखाई दे रहा है, अगर ये स्टॉक ऐसे भी परफॉर्म करता रहे, होले होले करके चलता रहे, थोड़ा बहुत ऊपर भी जाए, सब कुछ चलता रहे, इवेंचुअली मुझे दिख रहा है कि ये स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से मिलेगा इस तरीके से। अब चाहे इसी प्राइस पे मिले, चाहे थोड़ा सा ऊपर मिले, चाहे बहुत नीचे मिले, 200 डे मूविंग एवरेज से मिल रहा था पास्ट में, न जाने कितनी बार स्ट्राइक किया है, अभी भी करेगा, तब बाय करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अभी अगर ये मेरे पोर्टफोलियो में होता तो मैं बेच चुका होता, तो मैं इस स्टॉक्स को इतने हाई वैल्यूएशन पे खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। आई नो काफी ज्यादा हेट आ सकता है कि हेमंत तुम इतने अच्छे स्टॉक्स को बेचने के लिए कैसे बोल सकते हो, बट अगेन यार आई स्टैंड बाय माय स्ट्रेटजीज, हर चीज का एक प्राइस होता है और ये प्राइस इस स्टॉक को खरीदने का नहीं बेचने का है। एक और रीजनिंग मैं आपको देना चाहता हूँ उसकी, आपको दिख रहा है कि अगर आप ध्यान से एक बार मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे तो ये जो प्राइस है ये ग्रीन वाली लाइन इज 50 डे मूविंग एवरेज एंड रेड वाली लाइन इज 200 डे मूविंग एवरेज। तो ये प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, 200 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मोटा मोटा 50 दिन पहले जिसने भी ये शेयर खरीदा था वो सारे बंदे प्रॉफिट में है, एग्री करते हो? एंड बहुत अच्छा स्टॉक है तो SIP कैंडिडेट है। पिछले 200 दिन से बहुत सारे लोग इसमें SIP भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग व्यू रख के अपनी ट्रेडिंग कर रहे होंगे, प्रोबेबली बाय परस्पेक्टिव से ही, क्योंकि अच्छा स्टॉक है, ऐसे स्टॉक को शॉर्ट करना तो सही नहीं होता है ऑब्वियसली। तो अब जब वो सारे लोग प्रॉफिट में हैं तो इस प्राइस पे क्या आएगा? मे भी थोड़ा सा और ऊपर चले जाए, बट इवेंचुअली मेरे को इस प्राइस में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है और आते हुए ऐसे करके 200 दिन के मूविंग एवरेज से मस्त मिल जाएगा। दैट इज माई व्यू एंड इस व्यू पे मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ कि मेरे पास जितनी भी होल्डिंग अगर थी तो मैंने बेच दी, या अगर कभी होंगी तो मैं ऐसे प्राइस पे सारे स्टॉक्स की अपनी होल्डिंग बेचूंगा जो इस तरीके के पैटर्न शो कर रही होंगी। सो इस प्राइस पे मेरे अकॉर्डिंग हमें ये स्टॉक बेच देना चाहिए अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑन बाय सेल, दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो कि व्हाट इज द टिपिकल बिहेवियर, व्हाट इज द टिपिकल पैटर्न ऑफ अ स्टॉक एंड व्हाट शुड वी डू। एंड या सो दिस इज माय एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक। इस पॉइंट पे मैं स्टॉक को बाय करना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, ह्यूज थम्स डाउन फ्रॉम माय साइड। इस पॉइंट पे ऐसे स्टॉक को बेचना चाहिए और अपनी प्रॉफिट बुकिंग हमें करती रहनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी ही अगर और वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही किसी और स्टॉक के बारे में आपको जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।